कर्म, तो आप बाबा को आगे रखो, बाप आपको आगे स्वतः रखे, तो आगे भी बन जाएंगे और निरंतर बाप की याद भी समा है। सिर्फ खरीदने की ही बात नहीं है, जैसे माताएं खाना बनाती, घर में रिश्तेदार आते, संकल्प आता है अच्छा अच्छा बना के खिलाए, वो तो बनाना ही थोड़े खिलाना ही थे, मेहमान है खाते कर देते, लेकिन इस संकल्प से नहीं कि हम फलाने मेहमान के लिए बना रहे। अगर आप इस संकल्प से बनाओगे तो रिजल्ट क्या होगी कि खाने वाले भी आपकी बड़ी महिमा करेंगे, वाह भाभी ने तो बड़ा अच्छा, बहुत टेस्टी है, उनका बुद्धि योग आप में गया, आपका बुद्धि योग उनमें गया, दोनों भगवान से जुड़ गए। क्या करें, लेकिन नहीं, मेहमान आते हैं खूब खिलाओ, लेकिन इस संकल्प से कि बाबा भी हमारा पुराना मेहमान, बाप के साथ सर्व संबंध है, हमारा पुराना मेहमान है बीच के बाबा, आज हम आपके लिए ये स्पेशल चीज बना रहे हैं, बाबा आप इसे भोग के रूप में स्वीकार करोगे, फिर हम सब बच्चे इसको प्रसाद के रूप में खाएंगे। अब वो जो भोग सब खाएंगे, खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा, जो रिश्तेदार आया था वो कहेगा आज तो खाने में टेस्ट अलग आ रहा है, लगता है वाली ने जरूर भगवान को ज्यादा याद किया। इससे क्या होगा, आपका बुद्धि योग बाबा ने गया और उसका भी बुद्धि योग भगवान ने, तो वहां बाबा को आ गए आप क्लास